हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस थर्सडे को पोस्टलॉन को यूसुफ नोरोलॉजी ने एक नई घोषणा की है, एक नई अनाउंसमेंट कि अगले 6 महीनों में खंबरा चर्च में क्या क्या होने वाला है। और आपके लिए एक नया गिफ्ट भी पोस्टलॉन को यूसुफ नोरोलॉजी ने रखा हुआ है, वो क्या है इस वीडियो में जानेंगे। और क्या आपको मालूम है कि अगले 3 महीनों में खंबरा चर्च किस पोजिशन पर होगी, कौन से स्थान पर होगी? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या कहा था पोस्टलॉन को यूसुफ नोरोलॉजी ने। चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको एक दर्शन दिया था कि आप जो चर्च के मेंबर्स हैं, अगर आपके पास चर्च मेंबरशिप का कार्ड है तो मैं आपके लिए शेफर्ड्स, जो जो चरवाहे होते हैं, वो आपके लिए मैं ठहराऊंगा, जो आपकी चरवाही करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको घर में विजिट भी होगी, वीडियो कॉल भी होगी। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक परिवार का मेरे को मालूम होगा। आप मंगलवार काउंसलिंग के लिए आते हो, आपका केस मेरे पास आता है। अगर उनको समझ नहीं आता, सेम टाइम के ऊपर बोला गया उनको, अगले दिन डिस्कस नहीं करना मेरे साथ, सेम टाइम पर आपका केस सीधा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आता है, सेम टाइम के ऊपर। तो दोस्तों, अब आपकी एक समस्या खत्म हो जाएगी आने वाले 6 महीनों में, कि जब आप चाहते थे कि अपोस्टल जी हमसे मिले और हमारे केस को सुनकर उसे हल करें, अब अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोरोलॉजी ने क्या क्या एक सिस्टम को बनाया है, जो लोग चर्च के मेंबर होंगे, जिनका मेंबरशिप कार्ड बना होगा, वो लोग उन लोगों के साथ अपोस्टल जी के चरवाहे जो शेफर्ड है, जो चुने हुए हैं, वो जाएंगे और विजिट करेंगे उन लोगों के साथ, उनसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे और उनकी समस्या को सुनकर उसे हल करेंगे, उनके लिए प्रेयर्स करेंगे। तो ये समस्या हो गई ख़त्म आप लोगों की, और उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए जो कहते थे कि क्या आपके पास्टर आपसे कभी मिले हैं, क्या वो मिलते हैं या क्या मिल सकते हैं। लेकिन अब ये समस्या ख़त्म हो गई है, उन लोगों का भी मुंह बंद हो गया है, अब कोई ये कहने वाला नहीं होगा। हालेलुया, आइए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या है। तो ये जो लोग झूठी बातें फैलाते फिरते, बड़ी चर्चा कभी मिले कभी हुआ, ये सब बकवास है। मेरे को एक एक बंदे का केस मालूम है, मैं बता रहा हूँ। मैं उनको बोल देता हूँ मुझे मिलने का जरूरत है, मिला दो, प्रेयर लाइन में खड़ा करो, प्रेयर माउंटेन लेके जाओ, ऑयल दो, पानी दो, ये करो, फास्टिंग रखवाओ, सब बात होती है। आने वाले समय में आप देखोगे, अगर आप मंगलवार काउंसलिंग करवा रहे होते हो तो मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूं यहीं पे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब काउंसलिंग भी आपको दे दी, आपको प्रेयर माउंटेन दे दिया, आपको 24 आवर प्रार्थना वाली टीम एक दे दी, आपको कॉल सेंटर, प्रेयर सेंटर दे दिया जहां फोन पे प्रार्थना करवाते हैं, आपको काउंसलिंग वाले लोग दे दिए, अब आपको मैं चरवाहे दूंगा। ये नेक्स्ट गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। जब वो आपको वीडियो कॉल किया करेंगे, कई बार वो आपके घर में विजिट करेंगे, अगर आप विजिट में नहीं हैं, आप इधर उधर हैं या कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं बना, तो वीडियो कॉल आपको की जाएगी। आपका पूरा परिवार वीडियो कॉल पे होना चाहिए जब वो आपसे बात करेंगे। अगर उनको तभी भी केस समझ नहीं आया, आपका केस डायरेक्ट मेरे पास आएगा, आप अगले दिन मेरे पास होंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो सब कुछ पवित्र आत्मा यहाँ पे चला रहा है। आप चाहे 1 लाख हो जाओ, आप 10 लाख हो जाओ, ये नहीं कि इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो आधों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ। अगर लोग ज्यादा हैं तो सिस्टम भी वैसा बन गया। अगर अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं तो ये नहीं कि आधे भूखे मर रहे हैं। अगर किसी को $100 मिलते हैं हफ्ते के, उसको अगर नौकरी नहीं है तो सबको मिलते हैं। तो सिस्टम बनाने की बात होती है, बात गैदरिंग की नहीं होती। ऐसी जगहें भी हैं जहां 600 लोग जाते हैं और बुरा हाल है लोगों का। बात गैदरिंग की नहीं होती, बात सिस्टम की होती है। अब आप सिस्टम के नीचे आने वाले हो और पूरी तरह से स्क्रीनिंग होगी, एक एक परिवार की स्क्रीनिंग होगी, यहां तक कि आपके पूरे परिवार से पूछा जाएगा, बेटा तुम चर्च क्यों नहीं आते, तुम आते हो, अच्छा तुम क्यों नहीं आते। काउंसलिंग की जाएगी एक एक जन की, चाहे एक वीडियो कॉल के ऊपर आधा घंटा लग जाए। जब आपके घर में विजिट होती तो आधा घंटा पास्टर बैठ के जाता है, चाहे आधा घंटा वीडियो कॉल पे लग जाए, चाहे विजिट करने में 1 घंटा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके एक एक परिवार के मेंबर की काउंसलिंग होगी, परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। आप प्रार्थना में रहना, सब तैयारी हो चुकी है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो ये बात आप भूल जाओ कि यहाँ पे अगर लाखों की गैदरिंग है तो लोगों का ख्याल नहीं है, हमें पूरा ख्याल है। आपको ऐसे सिस्टम के नीचे से लेके आएंगे, मतलब एक परिंदा भी ऐसे पर नहीं मारेगा शैतान का कभी। बस जो मैं कहता हूं वो करना है। अगर कार्ड नहीं बना तो फिर आप इस चर्च के मेंबर नहीं, चाहे आप 10 साल से आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कार्ड बनाने से क्या होगा, अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो आप उस सिस्टम के नीचे फिर नहीं आ सकते। इसलिए जो कुछ भी इस चर्च ने कहा है,
जैसा भी सिस्टम बनाया है, अगर आप उस सिस्टम के नीचे रहेंगे, आप बरकत में रहेंगे, आशीष में रहेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। तो अब मैं लगातार काम में हूं, 10 टीम से, हर टीम से मैं काम कर रहा हूं। आपको चर्च बेस्ट पोजीशन पे मिलेगी 3 महीने के अंदर, बेस्ट पोजीशन के ऊपर, हाईएस्ट पोजीशन, बेस्ट पोजीशन के ऊपर। आमीन।